देश की कमलनाथ सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ग्वालियर के शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रदेश की इकलौती औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मिलावट को रोकने के लिए प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब आयुर्वेदिक दवाइयों में मिलावट करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाइयों को जांचने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब से ग्वालियर में मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक ड्रग टेस्टिंग लैब में दवाइयों की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देशित किया है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर क्वालिटी का स्वास्थ्य सुविधा देना बहुत जरूरी है, और उसी उपलक्ष्य में ये 2002 में जब मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थी उस वक्त 2002-3 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 15 साल में इससे कोई काम नहीं हुआ, और जैसे मैं आते हुए जब मैंने अपने विभाग का रिव्यू किया और इसके बारे में जब पता लगा कि वो तो वहाँ का जहाँ मैं छोड़ गई थी वहीं पड़ा हुआ है मामला, फिर से अपने विभाग के SES महोदय हमारी शिखा दुबे जी, कमिश्नर साहब झा साहब और उनकी पूरी टीम को मैंने कहा कि हमारे लिए एक चुनौती है कि इसको पुनः हम लोग पुनर्जीवित करें, क्योंकि इसके माध्यम से यहाँ पर ड्रग का टेस्टिंग होगा और टेस्टिंग के रूप में जो ड्रग मार्केट में सप्लाई हो रही है वो सही क्वालिटी की सही लोगों तक पहुँचे, ये हमारी जो कोशिश थी उसको हम फलीभूत करने जा रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय नेताओं का कहना है कि ग्वालियर को मिली इस लैब से पूरे प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाइयों की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा।